फ्रेंड्स, क्विक लर्निंग आईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने अपने कुछ वीडियोस में एचटीएमएल को बेसिक से बताया है, तो अगर आपका वो सारा वीडियो मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, उन सबका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैं बॉडी टैग में एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगी H1 में अनऑर्डर्ड लिस्ट। और H1 को क्लोज करूंगी। देन मैं यहां पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL लिखूंगी और फिर मैं LI लिखूंगी। LI मीन्स लिस्ट आइटम। और मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ राम और LI क्लोज करती हूँ। मैं इसे ही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ रीता और यहाँ पे दे देती हूँ सुरेश और लास्ट में मैं UL को क्लोज करूंगी। अब अगर मैं इसे सेव करके रीलोड करूंगी तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया है सारा डेटा। यहाँ पर बुलेट पॉइंट आपको शो कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे UL लिखा था इस वजह से ये शो कर रहा है। और जैसे कि अगर हम लोग LI टैग लगाते हैं तो हमें BR टैग लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मुझे कुछ और इंसर्ट करवाना रहा तो मैं यहाँ पे इसे ही कॉपी कर लेती हूँ पे लिखूंगी UL टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्क्वायर और डबल कोट्स क्लोज करके इसे सेव कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। पहले ये बुलेट मैंने प्रिंट करवाया था, अब ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि सर्कल आ जाए तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं स्क्वायर की जगह पे सर्कल लिखूंगी। तो देखिए यहाँ पर सर्कल डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर मुझे सब बुलेट्स बनाना रहा तो मुझे यहाँ पर मैं H1 टैग में एक मैसेज डिस्प्ले करवा देती हूँ सब बुलेट्स। मैं यहाँ पर OL टैग लगाऊंगी और फिर LI टैग में मैं कुछ नाम दे देती हूँ जैसे अंजलि और LI टैग को मैं क्लोज करती हूँ। अब अगेन मैं यहाँ पर LI टैग लगाऊंगी बट मैं उसे क्लोज नहीं करूंगी और यहाँ पर मैं एक और ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं एक LI टैग लगा देती हूँ। और मैं यहाँ पे ये जो OL ओपन हुआ था उस टैग को क्लोज कर देती हूँ। देन मैं यहाँ पे जो मैंने LI टैग क्लोज नहीं किया था मैं उसे यहाँ पे क्लोज करूंगी और फिर ताकि ये जो सब बुलेट्स है उससे निकल जाए मेरा कर्सर और फिर ये लास्ट में 1 2 3 जो यहाँ पे फॉर्म चल रहा था उस फॉर्म में आ जाए। इसे कॉपी कर लेती हूँ और लास्ट में मैं ये जो टॉप में हमने OL टैग को ओपन किया था उसे मैं क्लोज करती हूँ।
अब मैं इसे सेव करके रीलोड करूंगी, तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ना। यहाँ पर ओएल के जगह पे यूएल लगा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट साथ में डिस्प्ले कर रहा है।